के खिलाफ इतना सभी गुस्सा, इतना सभी क्रोध, इतनी सी भी नफरत नहीं है। Or else without their knowledge, this Pulwama incident would not have taken place. It looks like the Narendra Modi had a match fixing with the Pakistan. इतना ही कह सकता हूँ मैं, श्री नरेंद्र मोदी जी से बड़ा झूठा व्यक्ति हमने देखा नहीं। नमस्कार, मैं हूँ आपके साथ कविता राणा। वार है राहुल गांधी की सेना, जो इन दिनों पूरी तरह पगला गई है, या फिर यूं कहें कि अपनी शुद्ध बुद्ध सब कुछ खो चुकी है। सत्ता क्या दूर हुई, खिसियाई बिल्ली की तरह अब उलटपटांग हरकतें कर रही है। कभी पुलवामा बदले का सबूत मांगती है, तो कभी हमले के पीछे मोदी इमरान की मिली भगत बताती है। हद तो तब हो गई जब देश के प्रधानमंत्री में उन्हें आतंकी नजर आने लगा। देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। तो ये है कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, जिनके जुबान पर रहती है प्यार की राजनीति, लेकिन उनके नेताओं के तीखे बोलों से आती है नफरत की बू। ये संसद में आंख भी मारते हैं और प्यार की झप्पी भी देते हैं, लेकिन इनकी सेना उगलती है नफरत का जहर। ऐसा हम क्यों बोल रहे हैं, ये बताने से पहले आपको दिखाते हैं तेलंगाना से कांग्रेसी नेता विजय शांति का वो बयान, जिसने अब जनता को कांग्रेसियों पर देशद्रोही का टैग लगाने पर पूरी तरह मजबूर कर दिया है। भारत देश प्रजल मोतो आयन के अवकाश इवरो इवाल बीजेपी చూస్తుంటే ప్రతి ఒక్కడికి భయమేస్తుంది। మోడీ గారు ఏ నిమిషంలో ఏ బాంబు పేలుస్తాడో అని దడపడుతుంది। ఒక టెర్రరిస్ట్ లా కనబడుతున్నాడు। तो ये नजारा था तेलंगाना के शमशाबाद का, जहां मंच से विजया शांति बीजेपी के खिलाफ बोलती गई और अपनी जुबानी मर्यादा को पूरी तरह भूल गई, और ये भी कह डाला कि प्रत्येक आदमी इस बात से डरा हुआ है कि पीएम मोदी किसी वक्त कोई बम गिरा देंगे। लोगों को प्यार करने की जगह वो अब एक आतंकवादी की तरह दिखते हैं, और इस तरह किसी भी पीएम को नहीं होना चाहिए। लेकिन हैरानी की बात यह है कि जिस मंच पर विजया शांति पीएम मोदी के खिलाफ जहर उगल रही थी, वहां उनके आला कमान भी बैठे हुए थे। विजया शांति के इस आपत्तिजनक बयान पर राहुल गांधी को सांप सूंघ गया, और ऐसा सूंघा कि विरोध में एक शब्द भी उनके मुंह से नहीं निकला। ऐसे में सवाल उठता है कि जो राहुल गांधी बड़े ही अदब से 2400 घंटे प्यार की राजनीति की दुहाई देते हैं, तब उनकी तहजीब, उनकी विचारधारा कहां घास चरने चली गई। वैसे पहली बार नहीं है जब मोदी सरकार के आगे कांग्रेसी नेताओं की इस तरह से बौखलाहट सामने आई हो। अगर थोड़ा रिवाइंड में जाएं, तो आपको कांग्रेसी नेता बी के हरिप्रसाद के मैच फिक्सिंग जैसे विवादित बयान भी याद आ जाएंगे। वो मैच फिक्सिंग जो उन्होंने पीएम मोदी और इमरान खान के बीच बताया था। पुलवामा हमले को लेकर उन्होंने पीएम मोदी और इमरान खान की साठ गांठ बताई थी। Well, Mr. Ravindra, Ravishankar Prasad should clarify whether there is any match fixing between the Pakistan and Mr. Narendra Modi. Or else without their knowledge, this Pulwama incident would not have taken place. If you look at the chain of events that has taken place after Pulwama, it looks like the Narendra Modi had a match fixing with the Pakistan people. You know, the governor of Jammu Kashmir has openly admitted that it's a total failure of the intelligence that has resulted in Pulwama. They have such a strong intelligence, they can detect 2 kgs of beef in Aklak's place, they can detect 2 kgs of beef in Kerala House in Delhi, and they can't detect 350 RDX on the national highway, which is so sensitive national highway. It shows it is a total failure of Mr. Narendra Modi's government that Pulwama incident has taken place. तो कांग्रेसी नेता कभी पुलवामा के बदले पर सबूत मांगते हैं, कभी पुलवामा हमले को दुर्घटना बताते हैं, तो कोई हमले के पीछे मोदी इमरान की साजिश करार देता है, और रही सही कसर अब विजया शांति ने भी पूरी कर दी है। ऐसे में कहना गलत नहीं होगा कि पीएम मोदी की बढ़ती लोकप्रियता से पूरी तरह बौखलाई कांग्रेसी नेता अब खुद के लिए ही गड्ढा खोद रहे हैं। भाइयों बहनों, आज जब मैं गाजियाबाद में आया,
मैं आप लोगों से कुछ सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आप जवाब देंगे? आप जवाब देंगे? 26/11 को मुंबई में जब आतंकवादियों ने हमला किया, अनेक लोग मारे गए, क्या दिल्ली में बैठी हुई उस समय की सरकार ने कोई कदम उठाना चाहिए था कि नहीं चाहिए था? उन्होंने पाकिस्तान का जवाब मांगना चाहिए था कि नहीं? उन्होंने कुछ किया था? कुछ किया था? हाथ पे हाथ लगाकर बैठे रहे थे कि नहीं? क्या ये हिंदुस्तान के नागरिकों के साथ अन्याय है कि नहीं? ऐसे लोगों को जवाब देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए? उसके बाद मुंबई में ट्रेनों में कुकर में बम डाल करके बम फोड़े गए, सैकड़ों लोग मारे गए, दिल्ली में बैठी हुई रिमोट सरकार ने कुछ किया था क्या? कुछ किया था क्या? देश में हर बार कभी दिल्ली में, कभी अयोध्या में, कभी हैदराबाद में, कभी गुजरात में, कभी मुंबई में आतंकवादी घटनाएं होती रहती थी। दिल्ली सरकार सोती थी कि नहीं सोती थी? दिल्ली सरकार गुनहगार थी कि नहीं थी? उन्होंने काम करना चाहिए था कि नहीं करना चाहिए था? उन्होंने अपनी जिम्मेवारी निभाई थी? अपनी जिम्मेवारी निभाई थी? आप मुझे बताइए, जब आतंकवादियों ने पुलवामा में हमारे 40 जवानों को मार दिया, क्या मोदी को भी चुप रहना चाहिए था? मोदी को सो जाना चाहिए था? मोदी को भी क्या करे, हम देख लेंगे, हम समझेंगे, यही करके चुप रहना चाहिए क्या? अगर पुरानी सरकार जैसा करना है तो आपने मुझे चुन करके बिठाया क्यों है? मैं उनके जैसा करूं आपको मंजूर है? उन्होंने जो किया मैं करूं मंजूर है? मुझे देश की अपेक्षा के अनुसार काम करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? आप मुझे बताइए, क्या हर हिंदुस्तानी पाकिस्तान को सबक सिखाना चाहता है कि नहीं चाहता है? क्या हर हिंदुस्तानी आतंकवाद को आतंकवादियों की भाषा में जवाब देना चाहता है कि नहीं चाहता है? क्या आतंकवाद को उखाड़ फेंक देना चाहिए कि नहीं फेंकना देना चाहिए? क्या इसके लिए मोदी ने हिम्मत से आगे बढ़ना चाहिए कि नहीं बढ़ना चाहिए? आपके आशीर्वाद है क्या? आगे भी लड़ाई हो तो आपके आशीर्वाद है? आतंकवाद को खत्म करने के लिए कदम उठाने पड़े, आपके आशीर्वाद है? भाइयों बहनों, आज जो हमारे विरोधी दल के लोग, सपा हो, बसपा हो, कांग्रेस हो, ये हमारी सेना पर भी भरोसा करने के लिए तैयार नहीं है। क्या आपको हमारी सेना पे भरोसा है? हमारे एयरफोर्स पे भरोसा है? हमारी सेना ने जो कहा उसको आप मानते हैं? मानना चाहिए। जो नहीं मानते हैं उनका क्या करें? जो सेना को भी झूठ बोलते हैं उनका क्या करें? भाइयों बहनों, आप मुझे बताइए, अगर आप कुछ करें, आप कुछ ऐसी चीज कर दें, ऐसी गलती कर दें, ऐसा कुछ बुरा कर दें और उसको पूरा पाकिस्तान तालियां बजाएं, तो आपको अच्छा लगेगा क्या? आपको दुख होगा कि नहीं होगा? आपकी गलती का पश्चाताप होगा कि नहीं होगा? आप कभी ऐसा करेंगे जिससे पाकिस्तान में तालियां बजे? ऐसा करेंगे?
ये हमारे देश के कुछ दल, उसके कुछ नेता पिछले 10 दिन से लगे हैं। सबसे पहले आपको मालूम होगा, जब हमारे एयर स्ट्राइक हुआ, ये लोगों को पहचानो, इनको देश की चिंता नहीं है, उनको अपनी जेल जाने से बचने के लिए दिल्ली सरकार पर कब्जा करने का इरादा है। जब सर्जिकल स्ट्राइक हुआ, इन्हीं लोगों ने सवाल उठाए थे कि नहीं उठाए थे, सेना को अपमानित किया था कि नहीं किया था। अब सारी चीजें धीरे धीरे बाहर आई तो उनकी बोलती बंद हो गई कि नहीं हो गई, चुप हो गए कि नहीं हो गए। अभी एयर स्ट्राइक हुआ है, आपने देखा होगा, एयर स्ट्राइक होने के बाद भारत सरकार तो चुप बैठी थी, हम तो कुछ नहीं बोले थे, और एयर स्ट्राइक करने के बाद हम सोए नहीं थे, ये चौकीदार जाग रहा था। हमने इतना बड़ा पराक्रम किया, उसके बावजूद भी हम चुप थे, हमने क्रेडिट लेने की कोई कोशिश नहीं की। सबसे पहले 5 बजे ट्वीट करके रोने का काम पाकिस्तान ने शुरू किया था। हमने ये पराक्रम किया है, ये सबसे पहले पाकिस्तान ने बताया था। अब मुझे बताइए, क्या पाकिस्तान मूर्ख है क्या, जो ये कहेगा कि मुझे मारा, मुझे मारा, मुझे मारा, वो मूर्ख है क्या? ये हमारे लोग पूछ रहे, अरे मारा है तो सबूत दो, मारा है तो सबूत दो। विरोधी दल कान खोल के सुन रहे हो, मेरा सबूत ये 130 करोड़ हिंदुस्तान वासियों का विश्वास है, वही मेरा सबसे बड़ा सबूत है। मेहरबानी करके पाकिस्तान को खुश करने वाले खेल बंद करो।